हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीरियन ट्यूटोरियल पे। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, जो सरलीकरण के जो क्वेश्चन रहते हैं वो सबसे संबंधित। पहले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन कराऊँगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स माइनस वन माई एक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका, यदि टू आपका दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है एक्स माइनस वन बाई एक्स का क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, ये हो जाएगा आपका फोर हो जाएगा। दोस्तों इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स इंटू वन बाई एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, ये फोर होगा। उसके बाद देखिए आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे दोस्तों, ये बचेगा आपका फोर, टू बचेगा इधर, बचेगा आपका फोर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर प्लस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है यहाँ पर तो आप देख रहे हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर वन अपन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका है ना सिक्स, इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको समझ आया दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, इसी पैटर्न पे है, सेम है। यदि हमारा दिया हुआ ए अपॉन वन बाई ए है ना, ये दिया हुआ है आपका इज इक्वल टू क्या है आपका सिक्स दिया हुआ हो, और यदि आपको पूछता ए की पावर फोर अपॉन ए की पावर फोर का है ना, तो ये इसका मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए आप कैसे करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, सबसे पहले होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका है ना सिक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये होगा आपका ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए इंटू वन बाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा 36। उसके बाद दोस्तों क्या करना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर अपॉन वन बाई ए स्क्वायर ये दोनों आपस में कट जाएंगे देख सकते हैं, तो ये बचेगा टू इज इक्वल टू 36 बचेगा। अब क्या करना है दोस्तों आप लोगों को, यहाँ से दूसरे को है ना, ये हो जाएगा आपका 36 माइनस टू, तो ये हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर अपॉन ये आया आपका 34 आया दोस्तों, ये देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसमें आप लोगों को है ना, ये आने के बाद इसका फिर से क्या कर दीजिए आप एक बार, अगेन क्या कर दीजिए है ना, स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दीजिए अगेन स्क्वायर कर दीजिए, तो ए की पावर ये हो जाएगा फोर अपॉन वन ए की पावर फोर हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इसको स्क्वायर करते हैं तो टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू वन बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 34 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखिए है ना, यहाँ पर हमारा ए की पावर फोर अपॉन ए की पावर फोर आ चुका है, तो ये आपस में कट जाएंगे, बचेगा टू, इसका आंसर होता है 1156 होता है, तो ए की पावर फोर अपॉन ए की पावर फोर इज इक्वल टू 1156 में टू माइनस कीजिए दोस्तों, तो ये होगा हमारा 1154, तो ए की पावर फोर ए की पावर फोर का आंसर क्या होगा दोस्तों, 1154 आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एसएससी पीएससी एनटीपीसी रेलवे एग्ज़ाम में जो है कई बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये वीडियो यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।